नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एक्सेल में किस तरीके से दी लुकअप फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत लोग को पता नहीं होगा कि दी लुकअप का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है एक्सेल पे। अब ये इसका क्या काम है पहले ये जान लीजिए दोस्तों। जो दी लुकअप का काम होता है, ये आपके कहीं दूसरे जगह पे सीट है, उस सीट का डेटा आपको आप जिस पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यानी एक तरीके से जान लीजिए कि ऑटोमेटिक कैसे काम करता है, ये होता है बी लुकअप। अब ये कैसे यूज करते हैं दोस्तों, आज हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको बी लुकअप का फार्मूला कहीं दूसरा देखने की जरूरत नहीं है और आप इजी तरीके से बी लुकअप का फार्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए आपको पहले दिखाते कैसे काम कर सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नेम, मदर नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। अब इसमें हमने जो बी लुकअप का मेन यहाँ पे डेटा बनाया है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे 4 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड मदर नेम, फादर नेम ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब ये कैसे चेंज हुआ इसके बारे में दोस्तों बताते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम सीट 4 पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ पहले से यहाँ पे डेटा बनाकर रखा हुआ है, जैसा कि कुछ इस तरीके से। अगर आप इसको इसका आप एक्सेल फाइल चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसका यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये इतना आपको बनाने के बाद अब आप बी लुकअप तभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका सेकेंड जगह पे आपका सेकेंड सीट पे आपका डेटा नहीं बनेगा, वहां से रिसीव नहीं होगा, या तो आप उसी पेज पे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों बी लुकअप का यूज बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अलग पेज पे डेटा बनाकर आप उस पे लाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सीट हमारी 4 है और सीट 3 पे हमने उसको काम कर रहे हैं, तब ये अच्छे से बी लुकअप काम करता है। अब चलिए आपको एक एक कर दिखाते कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे आपको लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारा जितना डेटा इन सबको पहले हम क्लिक कर देते हैं यहाँ से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं दोस्तों, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिलीट हो गया है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है, यहाँ पे क्लियर या डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बी लुकअप का फार्मूला लगाना है, तो सबसे पहले आपको नेम वाले की जगह सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाना होगा, क्योंकि जो बी लुकअप का फार्मूला होगा वो हम एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से उसको उठाएंगे अगले शीट से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा, आपको जाना होगा डेटा वैलिडेशन पे, इस पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर आपको यहाँ पे जो अलाउ एनी वैल्यू दिया है इस पर क्लिक कर आपको लिस्ट पे क्लिक कर यहाँ से सोर्स पे क्लिक करना है एंड आपको सीट 4 पे आना है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको इस तरीके से दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके हिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, कैसे पता चलेगा, आप जब यहाँ पे कर्सर को लाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एरो बन जाएगा, आप जिस भी वैल्यू को देना चाहते क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं। अब ये बी लुकअप का फार्मूला इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले नेम वाले ऑप्शन पे आना है, आपको लगाना है इक्वल और यहाँ पे लिखना है वी लुकअप, वी और एल। जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी लुकअप, इस पर डबल टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दे रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से आप लेना चाहते हैं। तो हम लेने वाले हैं ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे चेंज होगा उस हिसाब से हमारा डेटा आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस सीट को हम करेंगे लॉक, यानी लॉक करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, इससे आपकी ये जो कॉलम और रो है ये लॉक हो जाएगा, यानी अब यहाँ से खिसकेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको देना है कामा, सॉरी यहाँ पे हमने गलती से स्पेस था, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे देना है कामा एंड यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एरे, यानी जहाँ पे भी आपका टेबल है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारे सीट 4 पे है तो हम सीट 4 पे जाते हैं और आपको इस तरीके से पूरे टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे आ जाना है सीट 3 पे। दोस्तों यहाँ पे हम सीट 3 पे आते हैं और जैसे सीट 3 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 के जगह यहाँ पे आपको 4 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 पे आया तो ऑटोमेटिक 3 वाला उठा लेता है। अब यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यह 4 प्रेस करके इसको भी लॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कामा देना है, कामा देने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने रो को फाइंड करना है। रो का मतलब है कि आपका जो भी डेटा है किस रो में दिया है,
तो यहाँ पे सीट 4 पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर है और ऊपर देखिए हमने रो दिया हुआ है, यानी 3 रो 4 रो 5 रो। तो यहाँ पे आपको जो भी रो देना है, जैसे नेम किस रो में, 3 में है, तो हम क्या करेंगे सीट 3 पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको बैक करेंगे और यहाँ पे हम कामा लगाकर देंगे यहाँ पे 3 और उसके बाद फिर एक कामा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0 0। इसलिए लिखेंगे कि अगर हमारा ये डेटा मैच कर जाता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं एंड इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों मदर नेम के लिए भी सेम वही स्टेप करते हैं। यहाँ पे मदर नेम के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसको क्लिक करेंगे, इस वाले वैल्यू को कॉपी करेंगे Ctrl+C एंड यहाँ पे स्केप बटन दबाएंगे, फार्मूला यहाँ से हट जाएगा और इसमें Ctrl+V प्रेस करेंगे एंड दोस्तों फिर से यहाँ पे आएंगे फादर वाले में, इसमें भी Ctrl+V करेंगे, रोल नंबर में भी आएंगे Ctrl+V करेंगे। इतना करने के बाद बस दोस्तों आपको यहाँ पे जो वैल्यू 3 हमने दिया है बस यहीं पे आपको चेंज करना है। जैसे मदर नेम का यहाँ पे क्या है, जैसे मदर नेम हमारा फ़ोन नंबर पे, तो बस आपको यहाँ पे जैसे 3 के जगह 4 लिखेंगे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे चेंजेस हो गया। फादर नेम यहाँ पे 5 पे है तो यहाँ पे आपको 5 प्रेस कर देना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर हमारा 2 पे है तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और इंटर हिट कर देंगे तो यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों हमारा बी लुकअप काम करता है। तो दोस्तों आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।